प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चुड़ैल पेड़ की एक बहुत ही रोचक और मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वसंतपुरम नामक गांव में एक रेशमा नाम की महिला रहती थी। वह बहुत बड़ी डायन थी। उसे तंत्र मंत्र जादू टोना में महारत हासिल था। गांव के बच्चों को वह अपनी जादुई ताकत से मार दिया करती थी। जिसके कारण उस डायन के घर के आसपास से होकर कोई भी नहीं जाना चाहता था, कहीं उस खूनी डायन की नजर ना पड़ जाए। अगर नजर पड़ गई तो खैर नहीं। एक रात की बात है, रेशमा डायन एक बहुत बड़ा पेड़ को उड़ाकर आकाश मार्ग से जा रही थी। रास्ते में एक घनघोर जंगल था। उस जंगल में एक सन्यासी योग साधना में लीन थे। जैसे ही वह डायन आकाश मार्ग से सन्यासी के ऊपर से गुजर रही थी, उसी समय सन्यासी के योग बल से डायन का पेड़ आकाश मार्ग में ही रुक गया। हैं? ये क्या, मेरे पेड़ को किसने रोक दिया? डायन पेड़ सहित नीचे खींची चली आई। अरे तो तुम ही हो जो मेरे पैर को खींचकर नीचे गिरा दिया। तुझे पता नहीं कि मैं अपनी मंत्र शक्ति से पलक झपकते ही कितने को मार सकती हूँ। फिर तुम क्या चीज हो? वैसे तो मैं बहुत भूखी और प्यासी भी हूँ। ठहरो मूर्ख डायन, जरा ठहरो। तुम बहुत ही क्रूर और कपटी भी हो। तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुम पेड़ बन जाओ। डायन से पेड़ बन जाने के बावजूद भी वह अपने आदत से बाज नहीं आई। अब उस जंगल के रास्ते से जो कोई भी गुजरता था, वह चुड़ैल पेड़ उसे अपने आगोश में खींचकर उसे सीधे ही खा जाती थी। एक दिन की बात है, मंगरू दोपहर के समय में बाजार से कुछ सामान खरीदकर जल्दी पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से ही घर की ओर चल दिया। ओह, काफी तेज धूप है, अब थक सा गया हूँ। थोड़ा इस पेड़ की ठंडी छांव में आराम कर लेता हूँ, फिर घर चलूंगा। जैसे ही मंगरू पेड़ के पास बैठता ही है कि चुड़ैल पेड़ की भयावह आवाजें उसे सुनाई देने लगती है। चलो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो जो खुद चलकर मेरे पास आए हो। चलो, अब तुझे खाकर मैं अपनी पेट की भूख और प्यास मिटाऊंगी। हे चुड़ैल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो, मेरे बीवी बच्चे राह देखते होंगे, मुझे जाने दो। मैं अपने शिकार को नहीं छोड़ती। मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं बहुत दिनों की भूखी हूँ। अरे भाई, कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ। कुछ ही दूर से दूसरा मुसाफिर पेड़ के पीछे छिपकर चुड़ैल पेड़ को मंगरू को खाते देखकर भय से कांपने लगा। अरे बाप रे बाप, चुड़ैल पेड़! और जान बचाकर भागा और गांव पहुंचकर सभी ग्रामीण को अपनी आंखों देखी बातें बताया। सुनो सुनो गांव वालों, शानदार जंगल में एक चुड़ैल पेड़ है जो मेरे सामने एक आदमी को सीधे निगल गया।
हैं? क्या बोले? एक मुसाफिर को चुड़ैल पेड़ खा गया? हाँ हाँ, मेरे सामने वो पेड़ उसे निगल गया। मैं दूर से ही देख रहा था और अपनी जान बचा कर भागा। अरे बाबा रे बाबा, उस जंगल के रास्ते से मत जाना कोई। अब उस जंगल के रास्ते से कोई भी नहीं जाता, जिसके कारण चुड़ैल भूखी प्यासी बुरी तरह से तड़प रही थी। एक दिन की बात है, उसे एक सन्यासी आते हुए दिखाई देता है। भूखी चुड़ैल अपने आप को रोक नहीं पाई और फौरन उस सन्यासी को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। मैं अपने शिकार को नहीं छोड़ती। मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं बहुत दिनों की भूखी हूँ। ओ मैं लिंग क्लिंग चामुंडा बिच्चे फट स्वाहा। जल पड़ते ही चुड़ैल पेड़ एक औरत के रूप में बदल जाती है। आदमी के रूप में आकर वह चुड़ैल सन्यासी के पैरों पर गिर जाती है। हे महात्मन, मुझे चुड़ैल पेड़ से मुक्ति दिलाने के लिए आपको कोटी कोटी जाओ। तुम्हें तुम्हारे किए पापों से मुक्त किया। अब तुम आज से जन कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित रखना। इस डायन का अगला पार्ट टू वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो हमें मात्र 1000 लाइक देकर उत्साह बढ़ाएं। लाइक देने में कोई खर्च नहीं लगता, फिर कंजूसी क्यों? हाँ, हमें कमेंट में पार्ट टू आप जरूर लिखें। धन्यवाद।